उधर भिवानी जिले के गांव खानक में 7 सितंबर को मामले विवाद को लेकर प्रवीण और कृष्ण ने गोलियां चलानी शुरू कर दी है, जिसमें हरपाल और चंद्रपाल को गोली लगी। साथ ही इसी घटना में हरपाल की मौत हो गई और चंद्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें आपको, पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है और साथ ही इस मामले को लेकर सीआईए को सौंपा गया है। सीआईए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आरोपी को रिमांड पर लिया गया है। एक आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और जिसमें डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि मामले में सीआईए पुलिस काम कर रही है। उन्होंने इस घटना में आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 7/9/2018 को तोसान थाना के अंतर्गत खाना गांव में शाम के समय गोली चला के एक व्यक्ति की हत्या करने और दूसरे व्यक्ति को घायल करने की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस संबंध में तोसान थाना में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हत्या के प्रयास से हत्या करने संबंधी अभियोग अंकित किया गया था। इसमें हरपाल और चंद्रपाल नामक दो भाई जो कुमारी के हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, वो अपनी गाड़ियों से खानक से निकलने वाली क्रेसर और रोड़ी को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाते हैं। वो जब शाम के वक्त अपने गाड़ियों में क्रेसर लोड करवाने के लिए खानक में उपस्थित थे तो एक गाड़ी में सवार होकर 4-5 व्यक्ति, जिनमें 2 नामजद व्यक्ति हैं, उसी गाँव के एक कृष्ण जाखड़ कुंवारी का और बालावास का प्रवीण, उनके साथ में 2-3 व्यक्ति और थे जो आए और उनका आपसी में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान परवीन और कृष्ण ने नाजायज हथियारों से उन हरपाल और चंद्रपाल के ऊपर गोलियां चला दी, जिससे मौके के ऊपर हरपाल की मृत्यु होगी व चंद्रपाल घायल हो गया।